मैथ का क्लास करने जा रहे हैं हम लोग। क्या पढ़ रहे थे? नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम का आज दूसरा क्लास है। फर्स्ट क्लास आपका हुआ था, इसमें क्या क्या पढ़े थे? सम संख्या के बारे में पढ़े थे, विषम संख्या के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग क्या पढ़ना है? आज परिमेय संख्या के बारे में पढ़े थे, अपरिमेय सम संख्या के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग को पढ़ना है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के बारे में आज पढ़ना है। जल्दी जोड़ जाइएगा, जितना भी है जोड़ जाइए लाइफ में। क्या पढ़ना मेरे भाई? अभाज्य संख्या पढ़ना यार। अभाज्य संख्या का अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या लिखकर डाल दीजिएगा। वो ऐसी संख्या जिसका केवल और केवल दो फैक्टर एक दो गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या है मेरे दोस्त? इसका दो गुणनखंड हो, केवल दो ही फैक्टर हो पाए, दो संख्या से ही डिवाइड हो पाए, वैसी संख्या को क्या कहते हैं मेरे भाई? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या बोलते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या बोल जाएगा कि सर क्या अभाज्य संख्या में कौन सी संख्या आता है? अभाज्य संख्या में आता है मेरे भाई दो हो गया, तीन हो गया। वैसी संख्या पांच हो गया, सात हो गया। अभाज्य संख्या में नहीं आएगा भाई, तीन सूत्र होता है। अभाज्य संख्या में नहीं आएगा, ग्यारह हो गया। यहाँ देखेंगे मेरे भाई, ऐसी संख्या है जिसका केवल दो ही फैक्टर होता है। सोचिए किसी दो से ज्यादा अंक से इसको डिवाइड कर ले तो नहीं हो पाएगा। इसका दो ही अंक होता है, एक का क्या क्या होता है? दो का जैसे मैंने डिवाइड किए तो कितना अंक से डिवाइड होगा? पहला संख्या एक हो जाएगा मेरे भाई, दूसरा इस दो है, दो ही फैक्टर है मेरे भाई। इसका जो है दो ही फैक्टर है, दो ही फैक्टर से डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा किसी और संख्या से चाहिएगा डिवाइड करने के लिए तो नहीं हो पाएगा मेरे भाई। इसके अलावा किसी और संख्या से सोचे कि हम डिवाइड कर लें तो कभी नहीं हो पाएगा। इसे अभाज्य संख्या कहते हैं, जो केवल दो ही, इसका दो ही फैक्टर हो, दो ही संख्या से डिवाइड हो। तीन को भी देखेंगे मेरे भाई, तीन भी केवल चाहे तो एक से कटेगा मेरे भाई, तीन से कटेगा। ऐसी संख्या जो एक से कटे, चाहे वो अपने खुद संख्या खुद स्वयं से कटे, वो ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या के एक ठो फैक्ट में कैसे लिखा जा सकता है मेरे भाई? छे के प्लस माइनस वन के फैक्ट में फॉर्म में इसको लिखा जाता है। छे के प्लस माइनस वन के फैक्ट में इसको लिखा जाता है। बोलिएगा सर, छे के मतलब क्या हुआ? छे के प्लस माइनस वन का मतलब क्या हुआ? छे के प्लस माइनस वन का मतलब होता है मेरे भाई के वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, ए का वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे आपको जो भी आएगा सोल्व होकर वो के क्या आएगा, वो आता है मेरा क्या? अभाज्य संख्या आता है छे के। जैसे कि ए के वैल्यू आप रख दी मेरे भाई, छे के वैल्यू रख दी तीन, तो छ गुणे तीन प्लस कीजिएगा तो कितना होगा मेरे भाई? छतरी अठारह प्लस वन करेंगे तो कितना है मेरे भाई? उन्नीस। एक कैसी संख्या है? उन्नीस एक अभाज्य संख्या है। सर उन्नीस अभाज्य संख्या है, इसमें कोई भी संख्या, ये हम नहीं बोल रहे कि केवल तीन ही दीजिए, इसमें कोई भी संख्या दे सकते हैं मेरे भाई, कोई भी। यहाँ पे चार और पाँच जो भी है यहाँ पे लिख लीजिएगा, इसको जब इसको सोल्व कीजिएगा यहाँ पे माइनस भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या किया मेरे भाई? छः गुणे तीन से अठारह की, अठारह से अठारह यहाँ पे प्लस किए थे, जोड़े थे तो उन्नीस आया था। यहाँ पे हम माइनस भी कर सकते हैं मेरे भाई, क्या यहाँ पे हम माइनस भी कर सकते हैं? माइनस करेंगे तो कितना है मेरे भाई? सत्रह। एक ऐसी संख्या है अभाज्य संख्या है, ये है प्राइम संख्या है। तो क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। यहाँ पे देखिएगा मेरे भाई, एक सब टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनने वाला है।
क्या क्या बनने वाला है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, गौर कीजिएगा क्या होता है मेरे भाई, क्या होता है इसको मैं देखना है मेरे भाई। क्या हम बोले थे आपको, क्या बोले थे पिछले वाले में क्या बोले थे, हवाई संख्या मेरे कौन है, दो है, तीन है, पांच है, सात है, ग्यारह है, इतनी तक है। दो मेरा कैसी संख्या मेरे भाई, दो क्या है, सम संख्या भी है, इसको क्या है, इवन नंबर भी है। दो एक इवन नंबर भी है मेरे भाई, दो क्या है, इवन नंबर भी है, दो इवन नंबर है, और सब बाकी जो भी संख्या है क्या हमें दिख रहा है, ऑड नंबर। ऑड नंबर किसे बोलते हैं मेरे भाई, विषम संख्या को बोलते हैं ऑड नंबर। तो ये भी दो भी मेरा है जो इवन नंबर है, बाकी जो संख्या हुआ उसे ऑड नंबर है। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन बन सकता है मेरे भाई, क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि दो जो, नोट कीजिएगा भाई, क्वेश्चन बहुत ही ये जितने भी है इससे क्वेश्चन कम से कम दो से तीन नंबर का क्वेश्चन तो ठीक से आता ही आता है, दो से तीन नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये हम लिख के दे रहे हैं आप लोग के, हम मैथ पढ़ा रहे हैं जीरो से जीरो बनाने के लिए, जीरो से लेकर अंत तक जो भी है लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ये नहीं सोचिएगा कि हम ये सब तो पहले भी पढ़े थे, अब वही पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ा रहे हैं क्या। तो मेरे भाई पहले बेसिक जानना बहुत जरूरी है, वैसे धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे दो है मेरे भाई, दो ही एक ऐसी संख्या है जो इवन नंबर भी है, इवन नंबर है, इवन नंबर होता है, दो ही एक मेरा ऐसा संख्या होता है मेरे भाई। अब हर संख्या में जो इवन नंबर होता है बाकी जो भी संख्या होता है वो ऑड नंबर होता है। इवन किसे बोलते हैं मेरे भाई, इवन बोलते हैं सम संख्या को, सम संख्या को क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। तो दो ही मेरा एक ऐसी संख्या हर संख्या में आता है जो इवन नंबर में आता है और प्राइम नंबर में भी आता है, और उसके बाद जो भी हुआ मेरे भाई, जैसे मैं तीन हो गया, पांच हो गया, सात हो गया, ग्यारह हो गया, ये सब कैसी संख्या है मेरे भाई, कैसी संख्या है, विषम संख्या है, ये सब विषम संख्या है। तो कुछ नहीं करना है मेरे भाई, आपको एक क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन की एग्जाम में सेट कर सकता है क्या, वैसी कौन सी संख्या है जो अभाज्य संख्या भी है, अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है। अभाज्य संख्या वैसी कौन सी संख्या है जो अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या है, यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा मेरे भाई, ये पक्का है, लिख लीजिए। आपको छोटा सा बनने एग्जाम का तैयारी हो रहा है, अब जरूरी नहीं है कि सीधे लेवल का आप क्वेश्चन यहाँ पे सब पढ़ाया जाएगा, छोटा लेवल भी, छोटा लेवल भी होता है उसका भी ध्यान देते हुए, जो ग्रुप बी का क्वेश्चन हो गया, बाकी जो क्वेश्चन हो गया, क्या सिविल कोड का है, सिविल कोड का एग्जाम है, चपरासी वाला एग्जाम है, प्यून वाला एग्जाम है, ये सब क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में बैठा देता है, क्योंकि टेंथ लेवल का होता है एग्जाम, सिविल कोड मेरा प्यून वाला जो है मेरे भाई क्या है, टेंथ का लेवल का क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा क्वेश्चन मेरा आता है मेरे भाई, क्वेश्चन ऐसा आपको आता है। तो देखिए क्या यहाँ पे लिखना है भाई, कि दो एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या भी है और क्या है, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या भी है, उसके बाद जितने भी आएगा पूरा अभाज्य संख्या में केवल दो ही होता है भाई, और इसके अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं होता है जो इवन हो और प्राइम भी हो। तो यहाँ पे तो क्वेश्चन है मेरे भाई, नोट कीजिएगा, क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन है प्रथम पांच अभाज्य संख्या का औसत ज्ञात कीजिए, क्या है मेरे भाई, क्या बोल रहा है मेरे भाई, जनरल मेरा क्या बोल रहा है, प्रथम पांच अभाज्य संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पांच अभाज्य संख्या क्या होते हैं मेरे भाई, जैसे क्या बोले आपको, दो से स्टार्ट होता है और इनफिनिट तक जाता है। तो मेरा क्या होता है मेरे भाई, दो जैसे हो गया, तीन हो गया, पांच हो गया और कितना मेरे भाई, सात हो गया, नौ, बहुत लोग सोच रहे हैं कि नौ के छोड़ दिए सर, नौ नहीं होता मेरे भाई, उसका तीन फैक्टर हो गया, क्या उसका तीन फैक्टर हो गया, नौ को एक से विभाजित कर सकते हैं, तीन से विभाजित कर सकते हैं और नौ से भी विभाजित कर सकते हैं, तो उसका तीन फैक्टर हो गया, इसलिए वो अभाज्य संख्या प्राइम नंबर में नहीं आएगा भाई। यहाँ पे देखिए क्या होता है कि क्या बोल रहा है मैंने क्वेश्चन, प्रथम पांच अभाज्य संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। तो मेरा कितना संख्या हो गया मेरे भाई, चार संख्या हो, एक संख्या और ले लेते हैं, ग्यारह। औसत ज्ञात करने के लिए एक मेरा फॉर्मूला होता है मेरे भाई, संख्याओं का जोग बटा संख्याओं की संख्या, संख्याओं का जोड़ना है मेरे भाई, क्या करना है, संख्याओं का जोड़ना है।
कितने संख्या है भाई, एक दो तीन चार पांच, पांच पांच संख्याओं के जो बटा संख्याओं की संख्या है, इसको जोड़िएगा तो कितना है मेरे भाई, इसको जोड़िएगा मेरे भाई तो 28 आएगा। 28 भाई कहाँ यार बढ़ जाता है, कुछ लगता है इससे बढ़ जाता है तो नहीं आता है। 28 बटा 5 क्या होता है मेरे भाई, इसको जोड़िएगा तो 2 3 5 7 11 को जोड़िएगा तो कितना है भाई, 28 बटा 5। 28 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना है भाई, 5 से कटेगा, 5 से 25 होता है, बच गया मेरा कितना 3, 6 5 30, 5 6 इसका आंसर होगा मेरे भाई। एक क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा भी गया। दूसरा क्वेश्चन आपको क्या है कि अंदर चेक करके दे देगा, क्या देगा यहाँ पे देखिएगा लिखा क्या, प्रथम 5 विषम संख्या का, नोट कीजिएगा मेरे भाई, नोट कीजिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हल्का में नहीं लीजिएगा, बोर्ड वाले के अंदर क्वेश्चन दिया है इसका, प्रथम 5 विषम संख्या का औसत ज्ञात करें, औसत ज्ञात करें। तो क्या है मेरे भाई यहाँ पे, तो क्या यहाँ पे देखनी है, क्या 2 से स्टार्ट किए थे, 2 से स्टार्ट किए थे मेरे भाई, यहाँ पे क्या पूछ रहा है मेरे एग्जाम सर, प्रथम 5 विषम संख्या, यहाँ पे क्या बोल रहा है, विषम संख्या अवाही संख्या है भाई, ऐसा नहीं है, प्रथम 5 विषम अवाही संख्या, अवाही संख्या, अवाही संख्या, प्रथम 5 विषम अवाही संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई यहाँ पे प्रथम 5 विषम अवाही संख्या पूछ रहा है, केवल अवाही संख्या पूछा था तो क्या किए थे मेरे भाई, 2 से स्टार्ट किए थे, जब अवाही संख्या विषम हमको खोज रहा है तो विषम संख्या तो 2 रह जाएगा मेरे भाई, 2 आपको क्या अगले क्लास में बताए हैं, 2 क्या होता है, 2 आता है बड़ा सम संख्या में आता है 2, तो यहाँ पे 2 का छोड़ देंगे मेरे भाई, क्या करेंगे 2 को छोड़ देंगे, क्या आपको बताएं मेरे भाई, 3 5 7 यही होगा, 2 3 3 के बाद 5 फिर 7 क्या हो गया मेरे भाई, 11 हो गया, इसके बाद आता है 13 बटा 5, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए मेरे भाई, क्या होगा, 5 3 8 हो गया, 8 7 कितना हो गया, 8 7 15 हो गया, 15 1 16 हो गया, 16 3 कितना हो गया मेरे भाई, 16 3 कितना हो गया, 19 के 9 हाथ में 1 जो यहाँ पे बचा हुआ है, 1 1 2 1 3 39 बटा 5 हो गया मेरे भाई, 39 बटा 5 हो गया, इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, काटेंगे मेरे भाई 7 काटेंगे तो कितना है मेरे भाई, 7 हो गया, तो यहाँ पे कितना 39 है तो 4 बच गया, 8 बचे 40, 7.8 हो गया इसका आंसर मेरे भाई, नोट कीजिएगा, नोट कीजिएगा 7.8 इसका आंसर हो गया, नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद है नोट कर लिया होगा इसका ट्रिक, ट्रिक जो भी है आगे देखेंगे मेरे भाई, आपको आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं क्या, नंबर सिस्टम। देखिए भाई आपको अगर YouTube पे भी ऐसे तो पेड कोर्स मेरा पेड कोर्स ऐप का नहीं चलता है, लेकिन YouTube पर ये सब जो है ना इम्पोर्टेंट जो भी YouTube पर जा रहा था मुफ्त का फायदा उठाइए मेरे भाई, जितना से जितना हो सके इसको पढ़ें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, कुछ होगा मेरे भाई, आप जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा उतना मेरा हौसला बढ़ेगा, लाइक कीजिए YouTube वालों के लिए बोल रहे हैं, YouTube वाला लाइव में पेड कोर्स में तो शेयर नहीं होता मेरे भाई, तो YouTube में जितने भी हमें भाई कुछ बोल रहे हैं उसको क्या शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो भी हमें कमियां है हम लोग कमेंट में बताइएगा, ऐसा नहीं बात है, हम लोग से भी गलती होता है मेरे भाई, ऐसा नहीं है, हम लोग से भी गलती होता है कभी कभी, ऐसा नहीं है कि हम लोग गलती, हम हर एक इंसान से गलती होता है मेरे भाई, तो जो भी हमारी कमी है उसको बोलिएगा, हम लोग सुधार करने का कोशिश करेंगे। देखिए आगे देखेंगे मेरे भाई क्या पूछेगा आपको एग्जाम में, 1 से 100 तक संख्या में कितनी अभाज्य संख्या आएंगे, ये आपको बताएं मेरे भाई, अभाज्य संख्या वैसी संख्या है जिसको गुणनखंड क्या होता है मेरे भाई, दो ही गुणनखंड होता है, एक पहला हो गया एक और दूसरा हो गया क्या जो स्वयं हुआ से, तो क्या है मेरे भाई मेरा एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, 1 से 100 तक अभाज्य संख्या का
अभाज्य संख्या का, अभाज्य संख्या का कितना है ज्ञात कीजिए। क्या है मेरे भाई, एक से सौ तक अभाज्य संख्या कितना है ज्ञात करें। क्या है मेरे भाई, यहाँ पे नोट कीजिएगा, नोट कीजिएगा यहाँ पे ये क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम दे सकता है मेरे भाई। जीरो से हीरो तक आपको ले चलेंगे, जीरो से हीरो मेरा बैच का नाम ही है जीरो से हीरो। मैथ के मेरा क्या बैच का नाम है, जीरो से हीरो। आप लोग जीरो से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते जाएंगे मेरे भाई। ऐसा नहीं है कि आप लोग सोच रहे हो कि नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है, आसान हल्का में नहीं लीजिएगा मेरे भाई, किसी भी चीज को हल्का में नहीं लीजिएगा। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमसे हम ये तो हम पढ़े नहीं है, इसको दोबारा पढ़ने को क्या जरूरत है। यही आपको एग्जाम में गलत होता है, छोटा छोटा क्वेश्चन के आप नहीं बना पाते हैं और बोलते हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो देखिए यहाँ पे ज्ञात करना मेरे भाई, एक से सौ तक आप अगर गिनती कीजिएगा तो हम गिनना नहीं है, आप लोग गिनने के लिए टाइम नहीं है, आपको तो ज्ञात करना पड़ेगा मेरे भाई। एक से सौ तक कितने वाइज तक होते हैं मेरे भाई, 25 होते हैं। नोट कीजिएगा मेरे भाई, नोट कीजिएगा, एक से सौ तक आपको क्वेश्चन आएगा मेरे भाई, कभी आगे क्वेश्चन आएगा एक से सौ तक कितने वाइज संख्या होता है तो 25 होते हैं मेरे भाई। कितने होते हैं, 25 होते हैं। आगे क्या पूछेगा एग्जाम में आपका, आगे पूछेगा मेरे भाई एक से 50 तक कितने अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर संख्या होते हैं। एक से 50 तक कितने अभाज्य संख्या होते हैं, यहां पे देखिएगा मेरे भाई ये क्या होगा। अगला तो मैं कितना देखनी है, एक से 100 तक कितने अभाज्य संख्या होते हैं, दूसरा मेरा क्या भाई, एक से 50 तक कितने अभाज्य संख्या होंगे। तो एक से 50 तक कितने होते हैं मेरे भाई, एक से 50 तक होता है मेरा कितना 15 होता है, 15 संख्या होता है जो अभाज्य संख्या होता है। आप चाहिएगा तो गिन कर भी देख सकते हैं मेरे भाई, 15 संख्या। जैसे आपको कोई बोल दिया मेरे भाई, आपको कोई बोल दिया एक से 10 तक कितने अभाज्य संख्या है, तब तो आप गिन लीजिएगा कि आप ही बताए हैं कितना है। एक से 10 अगला है 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 4 ही होता है मेरे भाई। एक से 10 तक 4 ही मेरा संख्या जो अभाज्य संख्या है। यहाँ पे बहुत बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि 9 भी, 9 नहीं, 9 भी सब संख्या है मेरे भाई। आपको क्या अभाज्य संख्या क्या बता है, जो दो ही फैक्टर उसका हो, दो ही संख्या भी विभाजित कर सके, वो होता अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कितना होता है मेरे भाई, यहाँ पे सब ठीक है मेरे भाई, ट्रिक को याद रखिएगा तो आपको जीवन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ट्रिक क्या है मेरे भाई, देखिएगा यहाँ पे नोट कीजिएगा, नहीं भी होगा तो मेरे भाई यूट्यूब पे जो भी वीडियो है, जितना भी पैड वाला भी है, लाइव वाला भी मेरे भाई है, यूट्यूब एक बार जाकर देख लीजिएगा। जहाँ पे आपको नहीं समझ में आएगा एक बार देख लीजिएगा मेरे भाई, यहाँ पे नोट कीजिएगा क्या बहुत इंपोर्टेंट पढ़ने जा रहे हैं। एक से 10 तक, एक से 20 तक, एक से 30 तक, एक से 40 तक, एक से 50 तक, एक से 60 तक, एक से 70 तक, एक से 80 तक, एक से 90 तक, एक से 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या है भाई। क्या अभाज्य संख्या, इसको भी देखना है, क्या देखना है मेरे भाई, अभाज्य संख्या देखना है कितना, एक से 10 तक मेरा कितना अभाज्य संख्या है, इसमें क्या बताए थे 4 होता है मेरे भाई। तो इसका एक ट्रिक है, इसको ऐसे याद नहीं, याद गिनते गिनते पता चलेगा कि मेरा एग्जाम का समय ही खत्म हो गया, हम बना भी नहीं पाए। सोचिए कि सर आप तो पढ़ाए थे फिर भी नहीं बना पाए, इसका एक ट्रिक है मेरे भाई। इतना आप लोग देखिए अपना, ये भी एक नंबर है मेरे भाई, कितना है 432, 232 कितने मेरे भाई, 432, 232 तीन कितना है मेरे भाई, 232। इसको नोट कीजिएगा भाई, इसको नोट कीजिएगा 400, नहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, गिन के देख लेते हैं कितना आता है, यहाँ पे होता है ना भाई, क्या थोड़ा सा मिस्टेक हो गया भाई, 400
400 कितने होते हैं भाई, 442 होता है मेरे भाई। यहाँ पे कितना होता है, 442 होता है। इसको नोट कीजिएगा, इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम बताएंगे आपको, याद करने के लिए बहुत आसान तरीका बताएंगे। इसको नोट कीजिए, नोट कर लिया मेरे भाई, नोट कीजिए, इतना जल्दी हो सके नोट कीजिए। यहाँ से क्या सीख रहे हैं मेरे भाई, ये संख्या जो है ना, ये संख्या बहुत ही आसान है। क्या है, 442 232 एक। अब इतना नंबर याद किया होगा मेरे भाई, ऐसा नहीं है, अपने जो पुरानी वाली जो है ना, आपके जो पुरानी वाली जो गर्लफ्रेंड होगी उसका भी नंबर आप अभी तक याद रखे होंगे। ऐसा नहीं है आपको छोड़ दिए भला कि, लेकिन उसका नंबर आप याद रखे होंगे। तो यहाँ पे एक नंबर सोचे कि ये भी मेरा याद करना, कितना, 442 232 232 एक। बहुत बहुत इजी से नंबर है, क्या 10 नंबर तो आप याद रखता ही है। अरे भाई अपना वाले से छोड़िए ना, अपने वाली को सहेली का नंबर आप लोग याद रखते हैं, ऐसा नहीं है। हम जानते हैं आप लोग के बारे में, ये भी याद कर लीजिएगा, 442 232 232 ए। यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे नोट कर लीजिए, जितने भी हैं मेरे भाई नोट कर लीजिए, नोट कीजिएगा भाई। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े थे मेरे भाई, यहाँ पे क्या पढ़े थे, छाओ के प्लस माइनस वन के फॉर्म में जो भी संख्या होता है मेरे भाई, क्या होता है, अवाही संख्या होता है। छाओ के प्लस माइनस वन के फॉर्म में जो भी संख्या होता है मेरे भाई, अवाही संख्या होता है। तो यहाँ पे इसमें कुछ ठीक है ना यहाँ पे कुछ अपवाद भी होता है मेरे भाई। हर एक पीला दिखने वाला चीज सोना नहीं होता है, एक पीला दिखने वाला चीज सोना नहीं होता है, उसमें भी एक अपवाद होता है। तो 6 के प्लस माइनस 1 के फॉर्म में जो रहता है उसको इसमें अपवाद देखेंगे क्या होता है भाई, इससे क्या हो गया, सुने ना, 30 मिनट का बताइएगा, ठीक है 20 मिनट हुआ है, ठीक है यार थोड़ा सा लेट हो गया था, थोड़ा सा कमी आज बन पाएगा। 6 गुने जैसे 4 और 4 लिखेंगे मेरे भाई, 6 गुने 4 प्लस, यहाँ पे प्लस क्या बोल रहा है, 1 बोल रहा है, इसको हम सॉल्व करेंगे मेरे भाई, क्या होगा, 6 चौक 24 प्लस 25 क्या आया मेरे भाई, 25। तो 25 कैसी संख्या मेरे भाई, 25 कैसी संख्या, अवाही संख्या नहीं है, ये विषम संख्या है, अवाही संख्या नहीं है। यहाँ पे एक अपवाद आपको अपवाद मिल गया देखने के लिए, ये है क्या, विषम संख्या, अवाही संख्या में इसको नहीं आता है। क्योंकि क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पे क्या होता है ना कि 25 को 3 बहुत कितना फिर तोड़ेगा इसको मेरे भाई, पहला एक तोड़ेगा, पहला 5 से टूट जाएगा, दूसरा क्या होता है, दूसरा खुद संख्या 25, इसका 3 फैक्टर मेरे भाई, इसका 3 फैक्टर हो गया, 3 गुणा 3 हो गया। तो ये तो अवाही संख्या में नहीं आएगा, एक किस संख्या में आएगा, ये अवाही संख्या में होता है। अगला देखिएगा मेरे भाई, एक ही ऐसा होता है, 128 होता है, 28 भी होता है मेरे भाई, 28 भी होता है क्या, नहीं 28 नहीं होता। यहाँ पे नोट कीजिएगा, अगला भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या के बारे में, भाज्य संख्या लिख के कह दीजिएगा भाई, भाज्य संख्या लिख के कह दीजिएगा, भाज्य संख्या वो ऐसी संख्या जिसका गुणनफल कम से कम 3 हो, वाज संख्या वैसी संख्या जिसका गुणनखंड कम से कम 3 हो, वैसी संख्या को वाज संख्या कहते हैं। जैसे में हो गया मेरे भाई, क्या हो गया, 3 गुणनखंड वाला संख्या क्या हो गया मेरे भाई, 4 जैसे में देखेंगे मेरे भाई, 4 देखेंगे तो 4 क्या होता है, 4 का कितना फैक्टर हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 खुद हो गया। इसको प्यार करने वाले की संख्या कितना मेरे भाई, 3 है। इसको चाहने वाला, 4 को चाहने वाला की संख्या कितना है, इसको 3 है, 4 के दीवाना 3 लोग हैं, 4 के दीवाना 3 लोग हैं, तो ये भाज में आएगा, एक भाज संख्या में आएगा मेरे भाई। अवाही संख्या उसे बोलते हैं जिसका फैक्टर 2 ही हो, इसको जिस संख्या को चाहने वाला कितना संख्या हो, 2 ही संख्या हो। और भाज संख्या वैसी होता है जिसको जिस संख्या को कम से कम तो 3 फैक्टर उसको डिवाइड, 3 फैक्टर होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए उस संख्या से, तो ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं मेरे भाई, वाइस संख्या। सो क्या बोलते हैं, वाइस संख्या।
ये आपको क्वेश्चन पूछेगा मेरे भाई, ये आपको क्वेश्चन बन सकता है आगे चल के, क्या बनेगा? सबसे छोटी, लिखिएगा, सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या कौन है जो, भाज्य संख्या में आती है। क्या है मेरे भाई, सबसे छोटी विषम संख्या कौन है? तो 9 है मेरे भाई। इससे पहले तो कोई सा संख्या वैसे नहीं है जो विषम भी है और विषम भी है और भाज्य संख्या भी है। इसके पहले विषम संख्या कौन कौन है मेरे भाई? 5 हो गया, 7 हो गया। इसका फैक्टर केवल एक, इसका फैक्टर केवल 2 ही होता है मेरे भाई। 9 का फैक्टर कितना होता है मेरे भाई? पहला हो गया 1, दूसरा हो गया क्या 3, तीसरा हो गया 9। इसका 3 फैक्टर, इसको दीवाना, इसको जानने वाले कितना है मेरे भाई? 3 है। ये कैसी संख्या में आ जाएगा मेरे भाई? ये आ जाएगा भाज्य संख्या में। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन बनता है क्या मेरे भाई, वो ऐसी कौन सी विषम संख्या है जो भाज्य संख्या में भी शामिल है, भाज्य संख्या में भी आती है। सबसे छोटी मेरे भाई, सबसे छोटी को यहाँ पे क्वेश्चन आपको दे रखा है, सबसे छोटी विषम संख्या कौन है जो भाज्य संख्या में आती है। और दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा मेरे भाई, सबसे छोटी संख्या लिखेगा, यहाँ पे लिखेगा सबसे छोटी संख्या कौन है जो भाज्य संख्या में आती है। सबसे छोटी संख्या कौन है जो भाज्य संख्या में आती है? एकदम खांटी खांटी मीटर से पढ़ा रहे हैं भाई। ये नहीं बोलिया कि किताब में तो हम या इसका डिफिनेशन ये देखे हैं, हमको समझना है कि डिफिनेशन मेरा एग्जाम में नहीं पूछेगा मेरे भाई, आपको समझने के लिए बोल रहे हैं हम। यहाँ पे अगर आप बोलिएगा क्या कि हाँ बोल दिए क्या, 4 के कितना दीवाना है, 3 दीवाना है, तो आपको किताब में नहीं दिया रहेगा, आपको ये सब क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं कि इसका परिभाषा नहीं पूछता मेरे भाई, एग्जाम में परिभाषा नहीं पूछता। आपको केवल ये पूछेगा कि सबसे छोटी, जैसे समझ गया, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तो 2 आता है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन है? तो 3 आता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? तो 4 आता है। यहाँ पे लिखिएगा सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? तो 4 है मेरे भाई। क्या है? 4 है। इसको नोट कीजिएगा मेरे भाई। आगे क्या पढ़ने जा रहे हैं, आगे हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? सर भाज्य संख्या, क्या है मेरे भाई? सर भाज्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे। सहभाज्य संख्या लिख का डिफिनेशन देने जा रहे हैं, टेस्ट दीजिएगा सर सहभाज्य संख्या को। वो ऐसी दो संख्याएं जिनके बीच का मात्रा 1 हो, सा अभाज्य संख्या बोलने मेरे भाई। वो ऐसी अभाज्य संख्या जिनके बीच मसा 1 हो, वो ऐसी संख्या को सा अभाज्य संख्या कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल में क्या करें भाई, सा अभाज्य संख्या एग्जाम्पल में क्या है भाई, एग्जाम्पल में हो गया कौन, जैसे में 3 हो गया मेरे भाई और 5 हो गया। ये दोनों को मसा निकालिए, दोनों के देखना है कि कौन संख्या डिवाइड दोनों को कर सकता है, कौन संख्या जो दोनों को डिवाइड कर सकता है। 3 और 5 में कौन संख्या है केवल एक ही डिवाइड कर सकेगा भाई? इसको डिवाइड करने के लिए, दोनों को काटने के लिए कभी एक ही ऐसा संख्या है ना जो दोनों को काट सकता है, दूसरा इसके अलावा कोई नहीं है। इसका क्या है? 1 हो गया। दूसरा क्या होगा मेरे भाई? दूसरा हो गया 5 और 7 में भी कॉमन ले सकते मेरे भाई, 5 और 7 में भी दूसरा कॉमन कोई हो सकता है? तो बोल जाएगा सर नहीं, केवल एक ही होगा। इसका कॉमन क्या होगा? केवल एक ही होगा। सहभाज्य संख्या वैसी संख्या जिनके बीच का मसा 1 हो, उसे सहभाज्य संख्या कहते हैं। दूसरा क्या होगा मेरे भाई? दूसरा होता है जुड़वा अभाज्य संख्या। दूसरा क्या होता है मेरे भाई? जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जुड़वा अभाज्य संख्या लिख के दीजिए मेरे भाई। जुड़वा अभाज्य संख्या क्या है भाई? जुड़वा अभाज्य संख्या
अभाज्य संख्या देखेंगे जिसे कहते हैं, और लिखिएगा ओआईसी संख्या, ओआईसी अभाज्य संख्या, ओआईसी अभाज्य संख्या जिसके बीच का अंतर दो हो, ओआईसी अभाज्य संख्या जिसका बीच का अंतर दो हो उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में क्या आएगा मेरा भाई, जैसे मेरा अभाज्य संख्या क्या हो गया, तीन होता है और पांच होता है, कितना होता है मेरे पास, तीन होता है और पांच होता है, तो इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच देखेंगे तो कितना अंतर है, इन दोनों के बीच कितना होता है, तीन और पांच के बीच कितना, तीन अंतर कितना होता है मेरे भाई, दो आता है, तीन हो जैसे हो गया मेरा, क्या तीन हो गया, ये दोनों के बीच अंतर कितना है, दो है, पांच में से तीन घटाइएगा तो कितना होगा भाई, दो आएगा, दो आएगा, तीन दोनों का अंतर कितना है, दो है, यहाँ पे क्या हो गया वैसे पांच और सात, पांच और सात हो गया, पांच और सात का अंतर कितना है, दो है, बस पांच मिनट, पांच मिनट हो गया, इन दोनों का अंतर क्या हो गया, दो है, ऐसी संख्या को जुड़वाभाज्य संख्या कहते हैं। 30 मिनट हो गया, ठीक है बस थोड़ा देर कल कर लीजिएगा ना, ठीक है मेरे भाई, एक तो जाते जाते एक बहुत ही खतरनाक लाइन आप लोगों के बीच बोलने जा रहे हैं, आज से कल दिन पिंड होगा, सारे शायरी बोल रहे हैं सुनना, क्या मेरे भाई गौर कीजिएगा, देकर गुलाब, देकर गुलाब यह कह गया फूल वाला, देकर गुलाब ये कह गया टोकरी वाला, देकर गुलाब यह कह गया टोकरी वाला, तुम करते रह जाओगे इंतजार और उसे कोई उठाकर ले जाएगा सरकारी नौकरी वाला। गौर कीजिएगा मेरे भाई इस बात पर गौर कीजिएगा, इतना भी होता ना है प्यार करते हैं लास्ट में सरकारी जॉब वाला भी आता है और उठाकर लेके चला जाता है, ठीक है, आज का क्लास मैथ का एंड होता है, चलिए ठीक है।